नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एस्टेट पर पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, एस्टेट अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा। 10 अगस्त तक एस्टेट का रिजल्ट जारी हो जाएगा। बिहार बोर्ड ने रिजल्ट को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। 18 मई से 29 मई तक पेपर एक की परीक्षा हुई थी। 11 जून से 20 जून तक पेपर दो की परीक्षा हुई थी। परीक्षा में कुल 3,60,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। TRA-4 में शामिल हो सकेंगे पास अभ्यर्थी। एस्टेट 2024 के दूसरे चरण की परीक्षा होगी। 25 सितंबर तक परीक्षा आयोजित होने की संभावना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, TRA-4 में शामिल हो पाएंगे जो अभ्यर्थी पास होंगे, उन्हें TRA-4 में जगह मिल सकती है। एस्टेट के दूसरे चरण की परीक्षा भी होगी जल्द। 25 सितंबर तक परीक्षा होने की संभावना जाहिर की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एस्टेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। TRA-4 में जो अभ्यर्थी पास होंगे, जिनका रिजल्ट आने वाला है, उनको जगह दी जा सकती है। एस्टेट के दूसरे चरण की परीक्षा जल्द होने वाली है। 25 सितंबर तक परीक्षा की संभावना है। लंबे समय के बाद आज एक बार फिर से वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक का नाम नेताओं की जुबान पर आ गया। दरअसल उनके शिक्षा विभाग के ACS पद पर रहते विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगा। विधान परिषद में मुद्दा उठने पर खुद शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी तरह की गड़बड़ी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाती हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव के पाठक जब पद पर थे, तब उनके फैसलों को लेकर बिहार में खूब हंगामा होता था। पर अब जबकि वो विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं भी नहीं, तब भी उनकी चर्चा शुरू हो चुकी है। दरअसल बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के आखिरी दिन विधान परिषद में संजीव कुमार सिंह ने शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता को लेकर सवाल उठाया। आरोप लगाया गया कि के पाठक के ACS रहते शिक्षा के नाम पर घोटाला किया गया। 120 रुपये के बैग को 1200 रुपये में खरीदा गया। 30 रुपये की थाली का दाम 70 रुपये तक बताया गया। संजीव सिंह ने ये आरोप शिक्षा विभाग के पूर्व अपर मुख्य सचिव के पाठक के कार्यकाल में लिए गए फैसले पर लगाया है, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी सदन में दिया। मंत्री सुनील कुमार ने कहा, जहां से भी अनियमितता की शिकायत मिल रही है, वहां कार्रवाई हो रही है। के जहां बेंच डेस्क वगैरह है, वो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हम लोगों ने चिट्ठी लिखी है कि जहां पर कोई गलतियां पाई जाए तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। शिक्षा विभाग के तत्कालीन ACS के पाठक के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। बेंच डेस्क और थाली खरीद तक में घोटाले का आरोप लगाने के बाद बीजेपी MLC नवल किशोर यादव ने भी शिक्षा विभाग में करोड़ों के घोटाले के आरोपों की जांच कमेटी के जरिए कराने की मांग की है। जो उन्होंने समरसेबुल करवाया है, जो उन्होंने बैग बांटा है, जो उन्होंने बेंच डेस्क दिया है, जो टीन का सेट बनाया है, हम लोगों ने मांग किया है कि सदन की कमेटी बना के जांच कराई जाए। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पर सदन में एक और घोटाले के आरोपों के बाद बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई। News18 के लिए पटना से रजनीश कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बजट के बाद से लगातार लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह जमकर बिफरे। ललन सिंह ने कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। ललन सिंह ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना है, इस सच्चाई को स्वीकार कर ले, आप क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी। जितना जल्दी इस सच्चाई को पचा लीजिएगा, उतना ही आपके मन को शांति मिलेगी। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान JDU के सांसद और पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। आपके मन को शांति मिलेगी, नहीं तो पूरा मन विचलित रहेगा आपका और पांचों साल इसी तरह विचलित रहिएगा। ललन सिंह ने कहा कि इस देश की जनता ने PM नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता संभालने का मौका दिया, देश की इस सच्चाई को विपक्ष पचा नहीं पा रहा।
इस देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया और तीसरी बार उनको देश की सत्ता संभालने की जिम्मेवारी दी। अब इस देश की जो सच्चाई है उसको ये अगर नहीं पचा पा रहे हैं तो हम लोगों का क्या दोष है भाई। ललन सिंह ने सबसे तीखा हमला कांग्रेस पर किया। ललन ने कहा, जब हम आपके साथ थे तो आप हमको लास्ट समझकर गिद्ध की तरह नोचने का काम करते थे। इसके कारण हमने आपसे हाथ जोड़ लिया, पर हम पूरी मजबूती के साथ केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं। कुछ दिन हम लोग इन लोगों के साथ भी थे और वहां जाके पता चला कि गिद्ध की तरह जैसे लाश को नोचने का काम ये लोग करते थे। हम लोग विदा हो गए, प्रणाम करके इधर चले आए कि भैया वही काम करते रहो। अंदर में गठबंधन के अंदर ये लोग लॉबी चलाते थे और लॉबी चला के कैसे किसका मत फटाउल करावे इसकी योजना बनाते थे। हम लोगों ने प्रणाम किया, इधर चले आए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के नेता कुछ ज्यादा ही जोश में हैं। ललन सिंह ने उसका जिक्र करते हुए कहा कि लूडो के खेल में 99 पर सांप यदि काटता है तो 0 पर पहुंच जाता है। वही स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। मोदी जी ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर जो गुगली फेंकी है उससे विपक्ष बोल्ड आउट हो चुका है। 99 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है सभापति महोदय। लूडो पता नहीं गौरव गोगोई जी और बाकी लोगों ने खेला है कि नहीं खेला है। लूडो खेल के 99 पर पहुंचते हैं और जब सांप काटता है तो 0 पर पहुंच जाते हैं। यही हाल है। तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट आया, मोदी जी ने पहला बजट मोदी जी की सरकार ने पेश किया और जो पहला गुगली मोदी जी ने फेंका है इस बजट के माध्यम से तो ये बोल्ड आउट हो चुके हैं और उसी बोल्ड आउट की छटपटाहट में ये अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद से ही कांग्रेस सहित तमाम पार्टियों के नेता आरोप लगाते रहे हैं कि ये बजट सरकार बचाने वाला बजट है, यानी दो राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश को खुश करने वाला बजट है। इसका जवाब देते हुए ललन सिंह ने ये भी कह दिया कि क्या बिहार और आंध्र प्रदेश इस देश में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के शामिल न होने पर विपक्ष ने सवाल खड़ा किया। विपक्ष के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि पटना पहुंचने के बाद भी तेजस्वी यादव सदन में क्यों नहीं पहुंचे। तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? बिहार विधानमंडल की कार्यवाही शुक्रवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई, यानी कि 5 दिवसीय मानसून सत्र का समापन हो गया। 5 दिन चले मानसून सत्र में खूब गहमा गहमी देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं दिखे। आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? सत्र के चौथे दिन से ही विरोधियों ने तेजस्वी के ना पहुंचने पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया था। आखिरकार गुरुवार को तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और जब पत्रकारों ने सदन में ना आने पर सवाल पूछा तो उनका जवाब भी जरा सुनिए। मानसून सत्र चल रहा है, आप विदेश में घूम रहे हैं, अब तो आप जनता के दिल में। सबको उम्मीद थी कि सत्र के आखिरी दिन ही सही तेजस्वी यादव सदन में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन पटना में होते हुए भी तेजस्वी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे। अब बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं। पटना आने के बावजूद वो सदन में आना मुनासिब नहीं समझे? क्या ऐसे जनप्रति माफी के लायक है? आखिर तेजस्वी सदन से क्यों भाग रहे हैं? विपक्ष आज मुद्दाविहीन और दिशाविहीन बनकर रह गया है। कांग्रेस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के न आने पर सफाई देते दिख रहे हैं। इस तरह से सरकार के अंदर जूतम पैजार की स्थिति है, खींचातान की स्थिति है। उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अरे भाई, अगर इतनी ही उत्सुकता है तो सदन में नहीं तो डायरेक्ट फोन घुमा के पूछ लीजिए कि कहाँ है नेता प्रतिपक्ष। इसमें हिस्सा है तो मचाने की क्या जरूरत है? अब तेजस्वी यादव सदन में क्यों नहीं आए, विधानसभा की कार्यवाही में क्यों नहीं शामिल हुए, ये तो वही बता सकते हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज जरूर है और विरोधी ये बताने में लगे हैं कि तेजस्वी यादव को लोगों से जुड़े अहम मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर आरजेडी हमलावर है। दिल्ली रवाना होने से पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने लालू परिवार पर पलटवार किया। परिवारवाद को लेकर दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने लालू परिवार को घेरा और कहा कि आरजेडी का सिद्धांत यही है, 27 साल से एक ही व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनकर बैठा है और उसके लिए परिवारवाद ही सब कुछ है। जनता दल में 27 साल से एक ही व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता कि कल कौन अध्यक्ष होगा, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, कल प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। एक सदन की नेता उनकी माताजी हैं और दूसरे सदन का नेता उनका भाई है, यही है लोकतंत्र राजद का। जो संवैधानिक पद को परिवारवाद की पद बना दिए, परिवारवाद के साम्राज्य में आज सदन के अंदर कितना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता प्रतिपक्ष 5 दिन का ये सदन में 1 दिन 1 घंटा नहीं आना, इससे बड़ा दुखद दुर्भाग्यपूर्ण क्यों क्या होगा। इस पर उनको कमेंट और सलाह तो देनी चाहिए, बहन है, भाई को बताना चाहिए। और वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी के घर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं पहुंचने पर बीजेपी विधायक संजय सारावगी ने नाराजगी जताई। संजय ने कहा कि वोट के समय तेजस्वी और मुकेश सैनी बड़े बड़े छोटे भाई बन जाते हैं, लेकिन पिता की हत्या के बाद मुकेश सैनी के घर तेजस्वी आए तक नहीं। उन्होंने हत्याकांड के एक समुदाय विशेष के हत्यारे के पकड़े जाने के बाद तेजस्वी के मौन पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे बुक पर लज्जा नहीं होता है, इतनी निस्संग हत्या हो गई, एक बार झांकने नहीं आए। हाँ, बड़े भाई छोटे भाई बन रहे थे दोनों लोग, न 5 दिन में 1 दिन विधानसभा में आए और इतनी बड़ी निस्संग हत्या हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जा रहे, फिर वोटे के समय काम आएगा। इतना हरा हत्यारा पकड़ाया, 26-26 चाकू से गोद दिया और उनको उसमें भी वोट नजर आ रहा है। एक विशेष संप्रदाय का लोग निकल गया तो इनका मुंह उस दिन से बंद है, चुप है। और बिहार प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अध्यक्ष के तौर पर काम संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद दिलीप जायसवाल दिल्ली रवाना हुए, जहां वे आगे केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। दिलीप जायसवाल ने कहा कि 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनाना है। उन्होंने विपक्ष की ओर से जारी बयानबाजी पर भी तंज कसा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के घोषणा के बाद मैंने अपनी जिम्मेवारी और अपना काम शुरू कर दिया है और अभी हम दिल्ली जा रहे हैं, आगे की रणनीति तय होगी और माननीय नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी हम लोग शुरू कर देंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद हमारा बढ़ेगा। आते हैं दिल्ली से तो फिर बात करेंगे। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जेडीयू एमएलए डॉक्टर संजीव ने अगुबानी सुल्तानगंज निर्माणाधीन पुल का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि 10 साल से बन रहा पुल कब पूरा होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों में लगे कंपनियों पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। विधायक के सवाल का जवाब पथ निर्माण मंत्री ने दिया, लेकिन विधायक संतुष्ट नहीं हो सके। जिला अंतर्गत अगुबानी सुल्तानगंज पुल जो 10 साल से निर्माणाधीन है, इस पुल को 2025 अगस्त तक पूरा करावे। माननीय मंत्री पथ निर्माण। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि खगड़िया जिला अंतर्गत अगवानी सुल्तानगंज पुल का निरूपण पुनरीक्षण का कार्य अंतिम चरण में है। स्वीकृत निरूपण के उपरांत युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए 18 माह से कार्य पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब खुद निशांत कुमार ने ही दे दिया। पटना में खरीदारी करने निकले निशांत कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अध्यात्म में विश्वास करते हैं, उसी के लिए खरीदारी करने आए हैं। उन्होंने साफ किया है कि राजनीति में आने का उनका कोई इरादा नहीं है। जो मोबाइल पे मैं हरे रामा हरे कृष्णा सुनता हूँ तो उसके लिए स्पीकर खरीदने आया हूँ ताकि उस पर और अच्छा से सुन सकूँ। कहा जा रहा था कि निशांत जी आएंगे राजनीति। अरे चलो आध्यात्मिक पद पे चल रहा हूँ।
और पूर्णिया से बड़ी खबर मिल रही है, 2 करोड़ के गहने की लूटपाट मामले में। तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ के गहने की जो लूटपाट मामला था, बिहार पुलिस ने एसटीएफ का गठन किया है। बंगाल पुलिस एसटीएफ की मदद ले रही है। लुटेरों पर पुलिस ने 3 लाख का इनाम रखा है। सबूत जुटा रही है फॉरेंसिक विभाग की टीम। मोबाइल नंबर 8935980965 पर लुटेरों की जानकारी दे सकता है, जिसको इसके बारे में जानकारी मिलती है वो इस नंबर पर जानकारी दे सकता है। बंगाल पुलिस करेगी एसटीएफ की मदद, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लुटेरों पर 3 लाख का इनाम भी रखा गया है। और पुलिस की ओर से तनिष्क शोरूम में हुई 2 करोड़ की लूट मामले में शामिल लुटेरों की तस्वीर जारी की गई है। इन पर पुलिस की ओर से 3 लाख का इनाम भी रखा गया है और मोबाइल नंबर 8935980965 पर लुटेरों की जानकारी देने की अपील की गई है। तो 8935908965 पर लुटेरों की जानकारी देने की अपील की जा रही है। उसके साथ ही साथ तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लुटेरा नंबर 5 इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगली खबर मुजफ्फरपुर से है। जीजा के प्यार में पागल साली ने अपने ही सगे भाई की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। मामला कांटी थाना क्षेत्र के अंकुरहा खरगी गांव का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कोमल सिंह और जीजा संजीव सिंह के बीच मधुर संबंध थे। कोमल के भाई रितेश कुमार इस रिश्ते के खिलाफ था। रितेश को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, वो इसका विरोध कर रहा था। जीजा से प्रेम संबंध में रोड़ा बन रहे भाई को कोमल सिंह बीच रास्ते से हटा दी और अपने जीजा संजीव सिंह के साथ मिलकर भाई की हत्या कर दी। मृतक की पत्नी खुशबू को जब इस बात का पता लगा तो उसने घटना काटी पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी कोमल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जीजा संजीव सिंह और दूसरे आरोपी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये मृतक की अपनी बहन है जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और अभी बाकी जो इसमें फर्दर उनके घर वालों की गिरफ्तारी थी। इनकी भूमिका यही थी कि इनकी जो ये जो जो इनके जीजा जी हुए उनका जो संबंध था इनके साथ, तो उसको इनके भाई अपोज करते थे, तो इन लोगों ने सब लोगों ने मिल के इनके भाई को मिल के मार दिया और इसकी लाश को भी जलाने की और गायब करने की पूरी कोशिश की थी। तो अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।